हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी द की स्टफ में। ऑफिस से मैं छूटा और मेरे दोस्त के रोने धोने की वजह से आज हमें घूमना पड़ेगा। घूमने के लिए तो मैं शौकीन हुई, जानते ही हो। घूमने के लिए मुझे अगर किसी ने बोल दिया तो मैं रुक नहीं सकता। तो मैं आज ऑफिस से डायरेक्ट हम निकले हैं घूमने के लिए और आज घूमेंगे हम दिल्ली पे। दिल्ली में कनॉट प्लेस है, आज वहाँ चल भागे, अच्छे अच्छे सीन आपको भी दिखाएंगे और देखते हैं हमें भी क्या नया देखने को मिलता है। इस समय मैं हूँ नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पे, शाम के 7 बजे का टाइम है। बता दूं मैं, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस से निकले हैं। मेट्रो में तो भीड़ बकरियों की तरह लोग भर के जा रहे हैं, देखते हैं हमारा क्या हाल होता है। देखो दोस्तों इतनी भीड़ है, देख रहे हो ऐसे लोग ठुसे ठुसे जा रहे हैं, चारों तरफा ठुसे हुए। ओवरलोड किसी को बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं ओवरलोडेड। देखो गेट पे एकदम ठुसे पड़े हैं बेचारे, कुछ नहीं कर सकते। देखो ये देखो सीए चालाकी, देखो अंदर मास्क लगाए पड़े हैं, यहाँ सांस लेने पर की जगह नहीं है, मास्क लगा के पता नहीं क्या बच जाएंगे। जा भैया ट्रेन जाओ, यार तुमसे घटिया ट्रेन हमने नहीं देखी मेट्रो। देखो चलो हम भी चलेंगे आज इसी भीड़ भाड़ में, देखते हैं क्या हाल होता है भाई। चलो सांस लेने के लिए एसी तो चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी है, आपकी वाहियात हरकतों की वजह से हमें जितनी भीड़ में चढ़ना पड़ रहा है। चलते हैं, मजे करते हैं। क्या करते हैं? मजे। हाँ मजे करते हैं भीड़ में। शर्म आ रही है? ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। अक्षरधाम राजीव चौक पे जाना है, बहुत दूर जाना है। कैमरे पे गंदगी लग गई, साफ कर लेते हैं। तो किसी तरीके से भीड़ भाड़ से निकल के हम बाहर तो आ गए हैं और ये कमीना गर्लफ्रेंड से लग गया। इससे पूरी जर्नी कोई हो नहीं सकती, मतलब किसी के कहने पे आप आए और वो साला आपको इग्नोर करके अपनी गर्लफ्रेंड से लग जाए। दो गालियाँ इसके लिए कमेंट में। अब हम लोग आ चुके हैं राजीव चौक स्टेशन और यहीं से हमें अब यहीं से बाहर सीपी है, तो अब चलते हैं मेन मार्केट। दोस्तों ये है एग्जिट राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से ऊपर की ओर और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये पीछे आप मार्केट देख रहे हैं। अबे हट, तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। ये मार्केट है कनॉट प्लेस सीपी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस मार्केट है। भाई बुरा मत मानियो, ठीक है, तेरी शक्ल ही गंदी है। चल आगे चलते हैं। नहीं भाई मेरा दोस्त है, तेरा ही दोस्त। हाँ इसीलिए इसके कहने पे आया मैं। चलो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा कनॉट सीपी की मार्केट थोड़ी घूमते हैं। तो सीपी तो आ गए और ये पहले आया हुआ है तो घुमा रहा है हमें, लेकिन बहुत सारी दुकानें बंद हैं तो उतना खास पीछे की तरफ से अभी मज़ा नहीं आ रहा। अब देखते हैं आगे की तरफ और क्या क्या देखने को मिलता है। हालांकि आईफोन का शोरूम तो यहाँ पर खुल गया है, एप्पल वाला मैंने देखा है, यहाँ पर अच्छा है लेकिन थोड़ा छोटा है। अब आगे चल के देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ बार बार है, मुझे जाना नहीं है क्योंकि मैं ये सब नहीं करता। मतलब पीछे तो मजा था नहीं, आगे मजा है। मजे तो है आगे, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आगे तो सीन अच्छा ही है, मार्केट अच्छा है आगे। रात के समय आने में ये फायदा जरूर होता है कि रोशनी रहती है तो अच्छी खासी चीजें हाईलाइट हो जाती है। स्केचर्स का शोरूम भी है, मेरे को नहीं खरीदना। बैक कवर के सस्ते मार्केट है, यहाँ चलते हैं। जो है स्टूडेंट्स और सब खाली छोड़ी बटाता है। लिवाइस नाइकी सब के सब तो शोरूम यहाँ पर अवेलेबल ही है। सीपी से आगे निकलते हुए अब हम पहुंच गए हैं पालिका बाजार। यहाँ का बगल का पार्क है, खाने पीने की जगह ठीक ठाक है, अच्छी जगह है, मतलब है घूमने लायक। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, अभी जब अंदर गया नहीं तो क्या बताऊँ। बाहर तो यार जूते बड़े बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, सस्ते वाले। चलते हैं देखते हैं पार्क में और क्या क्या है। भूख लग गई, ऑफिस से डायरेक्ट आया हूँ, कुछ खाते हैं। गाइस यहाँ पे तो मार्केट अच्छी है ही, यहाँ पे इधर हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इससे अच्छी मार्केट यहाँ पे किनारे भी लग रही है। तो मतलब अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए। ये देखो मेरा गरीब दोस्त। अभी हम लोग देखते हैं
अगर कुछ अच्छी शर्ट लगी तो मैं भी ले लूँगा, क्योंकि अमीर तो हमारे पास। तो ऐसी जगहों पे इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है कि आसपास कोई खाने पीने की दुकानें ना हो। वहाँ से बहुत दूर आ गए फिर भी, मतलब पीछे मंदिर है बाबा महादेव का, दर्शन भी करेंगे। पहले कुछ खाने की चीज़ें शायद दिखने लगी हैं अब जब हम सीपी से थोड़ा सा दूर आ गए हैं, तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, खाने पीने के बाद तब अभी आगे मिलते हैं। कचौड़ी हमें जल कचौड़ी देते हैं, चाय पिएगा? चलो, अब तो बनारसी वाला एडिक्शन है, चाय पीते हैं। दोस्तों अभी बहुत अच्छी चीज़ हुई, शौक लिया था कुल्लड़ में चाय पीने का। कुल्लड़ की चाय 20 रुपए की है, दो चाय 40 रुपए। भाई ने 50 की नोट दी थी, वापस उससे 10 रुपए की है। तो मतलब नॉर्मल पेपर वाला जो डोंगा होता है उसमें 10 रुपए की चाय है, कुल्लड़ के 10 रुपए और जोड़ लिए, 10 रुपए में 5 कुल्लड़ आते होंगे मार्क करने। पीते हैं, हैप्पी टू विद सीपी। ये इसको मैं मंदिर ले जाने वाला था, ये अभी से भूखा गया। हाँ तो भाई कचौड़ी खा रहा है और भी अकेले खा रहा है। हाँ मैं लेके आया हूँ, मैंने बोला खाने के लिए, लेकिन चाट यहाँ पे कचौड़ी सब्जी बहुत अच्छी आ रही, कैमरे में दिखा कचौड़ी सब्जी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी आ रही भाई। यहाँ का मुझे यही ठीक लगा, चाय से तो जहर है, वो चाय बेकार है, ये बहुत सही है। 60 रुपये प्लेट आपको बहुत टेस्टी मिल जाएगा यहाँ पे, और सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया बना के रखा है। दुकान का नाम दिखाते रहे, अगर आना तो यहीं पे खाना दिखा दे भाई, दुकान का नाम दिखा। यार खाना नहीं खाने वाला मेरे, मैं अकेले खाऊंगा, यही खाएगा, मैं यही खाऊंगा। यही दुकान है काकू कचौड़ी वाले, क्या बढ़िया कचौड़ी बनाते भैया। तो भाई साहब मज़ा आ गया खा के, अब खा के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बंगला साहिब मंदिर दोस्त ने बुलाया था, सोचा होटल में खिलाएगा, भंडारे में डर खाना खाने। ओ भैया धोखा। तो दोस्तों रास्ते में आते आते हमें मिला एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। मंदिर बहुत बड़ा था, बाहर से लोग दर्शन करने भी आ रहे हैं मतलब। और यहाँ पे हनुमान जी के भक्त बंदर था वो भी हैं, नेक काम भी होते हैं। पेयजल हम भी पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा पे, बड़ा सा गुरुद्वारा है, अंदर टहलते हैं घूमते हैं, जगह तो अच्छी है मतलब यहाँ की फेमस जगह है। तो बंगला साहिब में तो हम लोग आ गए हैं, पीछे का सीन दिखाते हैं। ऐसे सीधा सीधा रास्ता है, तो बनाया बड़ा सुंदर सा है। यहाँ पे जूता उतारने की जगह है गुरुद्वारा बंगला साहिब में, जगह बड़ी अच्छी है, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, जूते यहाँ सेफ रहते हैं, कोई पैसा नहीं जाता है। जूते तो हमारे उतर गए, जमा कर दिए हमने जूता, टोकन भी दे दिया, अब चलते आगे हाथ वाथ धो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं गुरुद्वारे में अंदर। तो गुरुद्वारे में आने के लिए साफा लगाना पड़ता है, हमने लगा लिया है। अंदर देखते कैंपस तो इसका बहुत अच्छा है, चलते हैं थोड़ा साफ आगे दर्शन करके पीछे दिखाते हैं, फोटो वोटो खिलाते हैं। ठीक तो बंगला साहिब गुरुद्वारा से अपन लोग बाहर निकल चुके हैं, और अब जो है रात काफ़ी हो गई है। खाने में खाना तो अच्छा था, रोटी दाल सब्जी और साथ साथ एक लाहौरी जीरा करके कोल्ड ड्रिंक मिली खाना पचाने के लिए, क्योंकि जान ही रहे हो पंजाबियों का खाना थोड़ा तगड़ा होता है। पैक कोल्ड ड्रिंक थी, खाना बिल्कुल साफ, प्लेट बिल्कुल साफ। मैंने ट्राई किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है मतलब नॉर्मली लगा दिया, लेकिन प्लेट भी बिल्कुल साफ थी, तो मतलब खाने के लिए सही है। अगर आप आए यहाँ दर्शन करने तो आइए घूमिए, अच्छी बात है। ये रहा हमारा राजीव चौक का रेलवे स्टेशन, और ये रही हमारी मेट्रो जो कि रात के 10 बजे थोड़ी सी खाली आ रही है, तो चांस है कि सीट मिल जाएगी। हाँ यार मिल तो जाएगी, मिल जाएगी। अब यहाँ से हम जल्दी ख़त्म करेंगे अपनी, पहले पहुँचे। अरे रुक भी जा भाई, रुक गई, आजा। तो दोस्तों अगर आप भी घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ और जब भी घूमूंगा मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा।